नमस्कार, मैं महेश क्रांतिकारी और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। इस समय हम उत्तराखंड के नैनीताल जिले के गिरजा माता मंदिर पर स्थित हैं और यहां पर हर वर्ष गंगा स्नान के चलते मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश के साथ साथ विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं गंगा स्नान करने के लिए। लेकिन इस वर्ष मेले का आयोजन नहीं हुआ है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते मेले का आयोजन नहीं हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे मंदिर के पुजारी जी से। आइए, बने रहिए हमारे साथ, जानने की कोशिश करेंगे इस माता मंदिर के पुजारी जी से कि आखिर क्या वजह रही थी कि मंदिर पर मेला क्यों नहीं लगा। जी, आपका शुभ नाम? पंडित जितेंद्र पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे संसार क्रांति में। जी पंडित जी, हर वर्ष जैसे गंगा स्नान पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं माता गिरजा का आशीर्वाद पाने के लिए, लेकिन इस वर्ष आखिर ऐसी क्या वजह रही थी जिस वजह से 8 नवंबर को गंगा स्नान के पर्व पर यहाँ पर मेले का आयोजन नहीं हुआ? सबसे थोड़ा सा अतीत में जाना होगा आपको। जी, ये हमारा पैतृक कार्य गिरजा देवी मंदिर में आज से नहीं है, इसको 70 साल करीब 1935 में हमारे दादाजी आए थे जी, पंडित रामकृष्ण पांडे जी। उसके पश्चात पंडित पूरन चंद्र पांडे जी हमारे पिताजी का नाम है। पिछले 50-60 साल से यहाँ पर जितना भी यहाँ की मान्यता जो मिली है, जो प्रसिद्धि हुई है, हमारे पिताजी के जीवन में जो अथाह परिश्रम उन्होंने किया, त्याग किया, तपस्या किया, उसके फलस्वरूप है। महादेव महाराज की कृपा है जिनके आशीर्वाद से हमारे पिताजी को आशीर्वाद मिला है और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस मंदिर को बनाने में, इसको सौंदर्यीकरण करने में, यहाँ के ख्याति दिलाई, इसको बाढ़ से सुरक्षा देने में उन्होंने इतने काफ़ी पूरा जीवन लगाया। आज हम 4 भाई हैं और मंदिर में बैठते हैं और यहाँ पर माता गिरिजा माता का जो आशीर्वाद है वो सबको यहाँ से प्रदान करते हैं। जी, आप हमारे दर्शकों को गिरिजा माता की जो महिमा है, या कहा जाता है कि एक धारा में बहकर यहाँ पर स्थित हुई थी, उसके बारे में कुछ बताइए। धारा तो यहाँ पर कोसी नदी की धारा जो है ये तो अनंत काल से ही है जी, और ये जो नदी पहाड़ का टीला, जब 1935 में आए थे हमारे दादाजी तो उन्होंने पहाड़ था ये बड़ा उस समय जी, उससे पहले आया हो ऐसा हो सकता है, बट उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला देखा, उसके ऊपर प्राचीन ये महाभारत काल के समय की मूर्तियाँ थी जी, और 15 साल हमारे पिताजी ने उन मूर्तियों की पूजा भी की है। बस ये था कि ये जो टीले के ऊपर चढ़ना मुश्किल था, कोई सुविधा नहीं थी, नदी चारों तरफ से थी, पानी पानी था चारों तरफ और टीले पे आना ही बहुत बड़ा मुश्किल था, बहुत गहरा पानी इस नदी के ये टीले के नीचे था। तो इस तरह से उन्होंने रोज़ दिया बत्ती करना शुरू किया, 15 साल तक पांडवों के समय की मूर्तियाँ रही। और 1956 में एक बाढ़ आई, उसके बाद 68 में बाढ़ आई, उसमें ये मंदिर ये डिस्ट्रॉय हुआ, जो प्राकृतिक आपदाएँ होती है जी। तो उसके बाद ही हम इसका निर्माण कार्य 69 में एक अमेरिकन आए थे यहाँ पर, डॉक्टर एन मॉर्गन सेंट अमेरिकन, उन्होंने 69 में 10,000 रुपया हमारे पिताजी को दिया। यहाँ से अमेरिका वापस गए, उन्होंने वापस वहाँ से चेक भेजा, ये गवर्नर थे राज्यपाल यूपी में, उनका बुलावा भी आया पिताजी के लिए कि आपके लिए कैसे पैसा आया है अमेरिका से, कि उन्होंने अपने फंड से 5,000 रुपया डाले। तो ऐसा करके यहाँ पर ये 26 ट्रक सीमेंट लगे इसको बाढ़ से सुरक्षा देने में, 150 मजदूरों ने और 3 महीने यहाँ पर काम किया। अभी आपने चारों तरफ एक दीवार देखी होगी, वो वही दीवार है जो आज से 45 साल पहले बनी थी, अभी वो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसका सुरक्षा के कार्य किया जाना ज़रूरी है। और ये जो बाढ़ जो के बाद आया मेला, पिछले 40-50 साल से गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमासी का पर्व मनाया जाता है। जब हम छोटे थे, 40 साल पहले की बात है, तो उसमें गंगा स्नान पर सीताराम बाबा जी यहाँ पर होते थे, कई भक्त होते थे, यहाँ पर हवन पूजन भंडारा होता था और आसपास के गांव के लोग आते थे। तो इस तरह से ये गंगा स्नान का मेला आगे बढ़ा और हमारे जो पिताजी यहाँ पर मंदिर में मुख्य पुजारी जब से थे 50 साल से ऊपर, उन्होंने पुजारी के तौर पर यहाँ पर सेवा भी की है और सबकी को आशीर्वाद भी पिताजी के द्वारा दिया, मेला इस तरह से आगे बढ़ा। और लकड़ी का पुल होता था यहाँ पर जी, तो लकड़ी का पुल जंगलात से हमें पेड़ मिलता था, वो पेड़ को छपान होता था, उसके तख्ते बनते थे, फिर पुल बनता था, यहीं के लोकल के गांव वाले मजदूर बनते थे, एक महीने से ऊपर उस पुल को बनने में लग जाता था।
तो इस तरह से लकड़ी का पुल होता था और उसको हम उसी में जो सुरक्षा दे पाते थे, और गंगा स्नान का मेला जो आप बता रहे हैं वो उसी में संचालित होता था। यानी कि हर वर्ष आपको लकड़ी का पुल बनाना होता था। हर वर्ष हमें सात महीना या आठ महीने के लिए, जो सूखे सूखे महीने हैं जैसे जाड़ों के और ये गर्मियों के, तो इतनों के लिए होता था और ये बरसात में वो पुल बह जाता था। ऐसा एक व्यवस्था पिछले 40 साल से लगातार थी, और जब लकड़ी का पुल था पिछले 12-1 साल से एक पक्का पुल, हमारे पिताजी के ही प्रयास हैं ये, तो ये पक्का पुल यहाँ पर अस्तित्व में आया है। अब सुविधा ज़्यादा हो गई है, आदमी बरसातों में भी आ जा रहा है, तो सबको दर्शन हो रहे हैं और सुविधा ज़्यादा बढ़ गई है। सुरक्षा का मामला अभी भी अधूरा है क्योंकि मंदिर चारों तरफ से बाढ़ से घिरा रहता है। अभी आपने कभी एक साल में दो बार देख लिया, पिछले साल अक्टूबर में एक ही मतलब 7 दिन का अंतर है, अक्टूबर में था 18-19 अक्टूबर, इस बार 9 अक्टूबर, ज़्यादा अंतर नहीं है। एक साल में दो बार काफ़ी बड़ी बाढ़ आई थी, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये सुरक्षा का किया जाना ज़रूरी है। ये पॉलीथीन की थैली से इसको कवर किया गया है सिंचाई विभाग द्वारा, उनका मानना है कि एक बजट आएगा तो उस बजट के द्वारा हम इस मंदिर को सुरक्षा देंगे। 3-4 करोड़ का काम बताते हैं वो, अभी तक तो ऐसा कोई देखने में नहीं आया है। चलो वो भी आएगा जब इतना शुरू हो गया है। और गंगा स्नान का जो मेला है ये इस तरह से लकड़ी के पुल पर संचालित होता था, बाढ़ भी आई है और जो सुरक्षा के लिए जल पुलिस और जो क्षेत्रीय जो प्रशासन है इनकी सेवाएं आज से नहीं 40-50 साल से लगातार मिलती रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और अभी थोड़ा चंद्र ग्रहण भी था, तो चंद्र ग्रहण में सभी मंदिरों में कपाट बंद रहते हैं, तो हमारे जानिब से मंदिर की ओर से तो ये 8 तारीख को ही हमने कपाट बंद किए थे, 7 तारीख को नहीं। जो 7 तारीख दो दिन का जो आप मामला बताते हैं 7 और 8, तो मंदिर की तरफ से ये 8 तारीख को गंगा स्नान, क्योंकि चंद्र ग्रहण था, मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं, पूजा विधि विधान से नहीं होती है कुछ भी नहीं, तो सबको शुद्धिकरण किया जाता है, स्नान खुद किया जाता है, देवताओं का किया जाता है, वस्त्र बदले जाते हैं, तो ये सब शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये सिर्फ 8 तारीख के लिए था, 7 तारीख को एक कई दुकानदार लोग बाहर से आते हैं काशीपुर से और प्लेन्स से, तो वो ज़्यादा लोग आते हैं, रात भर उनका मेला चलता है, तो प्रशासन को या क्षेत्रीय कुछ लोगों को ऐसा लगा है कि इसमें दुर्घटना की संभावनाएं हो सकती हैं, तो उस संभावना पर वो कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, तो उन्होंने एक पक्का और कड़ा फैसला ले लिया, जो जनता को 2 दिन अफसोस करना पड़ा, उनका रोज जैसे रोज़गार वगैरह है तो वो थोड़ा 2 दिन के लिए रुक गया। ये सूत्र के हवाले ये बात भी निकल के आ रही है कि इस बार जो जल का बहाव है वो 3 धाराओं में बहने लगा है, जिस वजह से कुछ घटनाएं होने की आशंका भी थी और आशंकाएं भी थी। और मैंने आप ही के समाचार माध्यम से मैंने हरिद्वार में गंगा स्नान में लोगों को डुबकी लगाते देखा, अगर मेरे फोटो वीडियो मैंने सही देखे तो ये सच बात है कि हरिद्वार में काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 15 लाख की संख्या, हाँ 15 लाख इन लोगों ने स्नान किया है, तो स्नान तो हो ही सकता था। बाकी बात रही सुरक्षा की, तो सुरक्षा का काम जनता का तो नहीं है, वो तो प्रशासन का काम है, चाहे जल पुलिस लाइए चाहे और जो SDRF लाइए, उनको वहाँ तैनात कीजिए, जो आज तक होता आया है। तो मुझे पानी गहरा ज़रूर है कुछ पॉइंटों पर, वहाँ पर कुछ लोगों की तैनाती की जा सकती है, और कभी भी दुर्घटना तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी कहीं भी हो सकती है, तो वो तो कभी भी हो सकती है। आज 9 तारीख है, हमें आज की आशंका थी, हमने आज भी ये निवेदन किया था प्रशासन में कि यह अपनी बात हमने पहुँचाई थी कि पीछे खतरा है, हमने बोर्ड बनाए हुए हैं, वो बोर्ड यहाँ आज वो बोर्ड लग गए होंगे या शाम तक लग जाएंगे, पानी गहरा है वाला बोर्ड है वो, तो इस तरह से यहाँ पर आशंका तो रोज ही की है, बट गांव वाले भी देखते हैं और लोकल का जो प्रशासन है उसको देखना चाहिए। ये सुरक्षा का मामला हमारी तरफ से भी एक आदमी खड़ा रहता है और सुरक्षा को सभी लोग मिलकर के देखना चाहिए। हम मंदिर में रहते हैं, हम भी अपने प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो। जी, इस मेला ना लगने की वजह को आप मेन कारण क्या क्या वजह जानते हैं, कहना चाहेंगे कि मेन वजह क्या रही होगी? अभी 3 साल पहले कोरोना का फैक्टर वो सबको मानना पड़ा जी, और 3 वर्ष से लगातार ये गंगा स्नान का मेला अवरुद्ध हो गया एक हिसाब से, जिसको चालू भी होना चाहिए था, और दुर्भाग्य से एक अधिकारियों को, प्रशासन को और कुछ क्षेत्रीय लोगों को, सभी को मिलकर फैसला लेना पड़ा कि 2 दिन के लिए लोगों को, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को गंगा स्नान
लोग पानी में ही जाएंगे, गंगा स्नान है तो पानी में ही जाएंगे और ऐसी कोई आशंका ना हो तो उन्होंने पूरी तरह से उसको बंद करवा दिया। पंडित जी तो सभी के साथ हैं, जहाँ बहुमत होगा पंडित जी को वहाँ हाँ कहना पड़ेगा, तो पंडित जी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है ये, तो सभी लोग ने एक राय बनाई थी और हाँ सभी का था इसमें, हम तो सभी के साथ हैं। जय हो तुम्हारे। तो 50 साल से लोग ये दुर्घटनाएं होती हैं, यहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं, फॉरेस्ट का बोर्ड लगा होता था पहले से, अभी नहीं दिख रहा है वो, पुलिस का भी यहाँ पर बोर्ड लगा होता था जहाँ पर पानी गहरा है, वो बोर्ड अभी नहीं है फिलहाल, क्या पता वो एक आध दिन में लग जाएँ, वो अच्छी बात है, अभी तक कोई ऐसा बोर्ड है नहीं, हमने अपना बोर्ड बना के दिया है, वो भी आजकल में आ जाएगा। तो ये पॉइंट है तो यहाँ पर सुरक्षा के मामले तो बनते ही हैं, बस मंदिर तो खुला है और यह आपात परिस्थितियों में ही बंद होता है, जैसे कई ग्रहण लग गया, इसका मेन वजह तो यही है कि ग्रहण लगता है तो मंदिर का पाठ बंद होते हैं, यहाँ पर तो सबकी राय एक ही होती है और मेला लगना चाहिए तो उसमें तो प्रशासन वगैरह इनको ज़्यादा हमसे बड़े निर्णय इनको लेने पड़ते हैं, हमारा काम है पूजा भक्ति करने का, हम पूजा भक्ति करते हैं, मंदिर खोलते हैं, कभी ग्रहण ऐसी कोई या कोरोना ऐसी कोई बात होती और प्रशासन से ऑर्डर होंगे तो उस आपात परिस्थिति बड़ी बेहद आपात परिस्थितियों में, यानी प्रशासन की बात मानते हुए आपने 8 नवंबर को हाँ ऐसा मान सकते हैं। हाँ ये साथ में फिर सोता का जो चंद्र ग्रहण वो तो सिर्फ 8 तारीख के लिए, 8 हाँ एक दिन। ये थे हमारे गिरजा मंदिर के पंडित जी हमारे साथ, जो जिन्होंने पूरा स्पष्ट किया है कि 8 नवंबर को आखिर मेले का आयोजन क्यों नहीं हुआ था, क्या वजह रही थी, और बताया इनके द्वारा ये जाता है कि चंद्र ग्रहण की वजह से ही 8 नवंबर को गिरजा माता मंदिर पर मेले का आयोजन नहीं हुआ और अब की बार मेला नहीं लगा। और अब 9 नवंबर हो चुकी है और आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माता गिरजा का आशीर्वाद पा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप साफ साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि हम इस समय मौजूद माता गिरजा के मंदिर पर ही हैं। और आपको बता दें कि पिछले 8 नवंबर को तो गंगा स्नान होना था, वो नहीं हो करके श्रद्धालु थोड़ा सा मन उनका भाव कम है और अब हर्षोल्लास के साथ माता गिरजा का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, देश के कोने कोने से और विदेशों से भी। आप देख रहे थे संचार क्रांति, ममेश क्रांतिकारी, गिरजा, नैनीताल, उत्तराखंड।